जी आज हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। उर्दू में कहें या उर्दू वाला टॉपिक है जी हिस्सेदारों की इकसाम। आपकी बुक में ये टॉपिक पहले होगा, जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए उनसे पहले होगा, और इंग्लिश वालों का ये बाद में था। आपके उर्दू इंग्लिश में टॉपिक्स आगे पीछे हैं, मतलब शफल किए हुए उन्होंने, तो देख लीजिएगा ज़रा बुक पर, मुझे बता दें कि पता चल गया या नहीं। हिस्सेदारों की इकसाम पढ़नी है जी उर्दू में, और इंग्लिश वालों का है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। आपकी उसने डिफरेंटली दी हुई है जी, अकॉर्डिंग टू एज दी हुई है, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस दी हुई है, और कुछ और हैं जी जो उसने मतलब हर एक की चीज़ के हिसाब से उसने पार्टनर्स की टाइप्स बता दी हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू दी एज, यानी उम्र के लिहाज से आपके हिस्सेदारों की कितनी इकसाम होती है। तो जो उसकी दो टाइप्स हैं आपकी, उर्दू में कहें तो बालिग हिस्सेदार और नाबालिग हिस्सेदार, और इंग्लिश में कहें तो अडल्ट एंड माइनर। अडल्ट हमारे यहाँ उर्दू मतलब नॉर्मली भी यूज़ किया जाता है जी, कि वो समझदार है, बालिग हो चुका हुआ है, यानी उसको अच्छे बुरे की तमीज़ है। आपके लॉ के अकॉर्डिंगली ऐसा बच्चा या ऐसा शख्स जिसकी एज 18 इयर्स या उससे अबव होगी वो आपका अडल्ट कहलाता है, और ऐसा शख्स जो कि 18 साल से कम उम्र का है। ये आपके लॉ ने डिफाइन किया हुआ जी, हर कंट्री में इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, यानी उसका जो लॉ है उसमें कितनी एज है। आपके सऊदी अरब के लॉज के अकॉर्डिंगली 13 साल का बच्चा भी अडल्ट कहलाता है या बालिग कहलाता है आपके सऊदी अरब के लॉज के अकॉर्डिंगली। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आपकी अडल्ट एज है जी 21 ईयर, यानी वो माइनर कंसिडर किया जाएगा अगर 21 साल से छोटा है। पाकिस्तान में हम रहते हैं, हम पाकिस्तान के लॉज को फॉलो करेंगे, तो हमारे यहाँ जो आपकी अडल्ट्री की या अडल्ट होने की एज है वो 18 इयर्स है, यानी तब आपका शनाख्ती कार्ड या CNIC नंबर बनता है। उसके बाद आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस या जितने भी पाकिस्तान के लॉज हैं उनको अबाइड यानी कि उनकी पासदारी करना आप पे लाजमी करार दे दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली भी उसने कहा है कि ऐसा पार्टनर जिसकी एज 18 ईयर्स से अबव हो, यानी 18 साल या उससे ज़्यादा, 18 का भी हो गया तो आपका अडल्ट ही है। तो उसने कहा जी आप पार्टनर हुज एज इज 18 ईयर्स और मोर इज कंसिडर्ड एज अडल्ट पार्टनर, और वो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में पार्टनर होता है, यानी अगर प्रॉफिट हो गया तो वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर नुकसान हो जाता है तो उसमें भी वो हिस्सेदार होगा, यानी उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, उसे कहा जाएगा जी कि आप अपने नुकसान की भरपाई करें। माइनर पार्टनर या नाबालिग हिस्सेदार ऐसा हिस्सेदार होता है जी जिसकी एज मैंने कहा आपके लॉ के अकॉर्डिंगली लेस देन 18 इयर्स हो, यानी 18 साल से कम उम्र का अगर हिस्सेदार, और वो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा है जी कि आपका लॉ तो इजाज़त नहीं देता कि वो पार्टनरशिप में या किसी भी किस्म के अग्रीमेंट में एंटर हो, लेकिन किसी को बहुत से सिनेरियोज हमने पढ़े थे जी, अगर उसके फादर ने उसको अपना लीगल एयर बनाया है, उसके फादर की डेथ हो गई है, तो वो ऑटोमेटिकली उस पार्टनरशिप का मेंबर बन जाएगा। तो उसने कहा जी ऐसा पार्टनर जिसकी एज 18 साल से कम होगी वो आपका माइनर पार्टनर या नाबालिग हिस्सेदार कहलाएगा, और इसकी एक करेक्टरिस्टिक ये है जी कि उसको सिर्फ और सिर्फ नफे में हिस्सेदार बनाया जाएगा, नुकसान उसको नहीं दिया जाएगा, यानी अगर लॉस हो जाता है तो वो उसके हिस्से से पैसे नहीं कटेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपका शेयर या पार्टनर इन प्रॉफिट कहलाएगा, कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉफिट में हिस्सेदार कह सकते हैं, लॉसेस वो आपके साथ यानी बर्डन तो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। सेकंड टाइप है जी आपकी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, यानी तजुर्बे के हिसाब से आपका एक कहलाएगा जी सीनियर हिस्सेदार और दूसरा जूनियर। इंग्लिश में भी यही नेम्स हैं जी, सीनियर मेंबर या पार्टनर और जूनियर पार्टनर। अब इसके दो दो करेक्टरिस्टिक्स हैं जी, या दो तरह के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। उसने कहा है जी अ पार्टनर हैविंग मोर एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस और हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, या तो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, यानी अगर कोई अकेडमी चला रहा है तो वहाँ सीनियर मेंबर वो वाला होगा जी जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है और साथ ही साथ उसको काम करने का तजुर्बा ज़्यादा है, या फिर आपका सीनियर मेंबर ऐसा शख्स होगा या सीनियर पार्टनर ऐसा इंसान है जिसने कैपिटल ज़्यादा अमाउंट का लगाया हुआ है, यानी एक बंदे ने 10 लाख लगाया, दूसरे ने 20 लाख लगाया, तो 20 लाख वाला आपका सीनियर पार्टनर कहलाएगा। इसी तरह जो दूसरी टाइप है जी जूनियर मेंबर, उसमें भी है जी ऐसा पार्टनर जिसकी एबिलिटीज़ भी कम है, एक्सपीरियंस भी कम है, या फिर उसका आप जो बिजनेस में कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है वो कम है, तो उसको आपका जूनियर पार्टनर या जूनियर हिस्सेदार कहा जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम जी दो टाइप्स में, या जो पीछे वाली एज के अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हमें पढ़नी है, इन दोनों में कोई इशू? नो मिस।
ठीक है जी, बहुत आसान है इसीलिए जल्दी जल्दी मैं कवर करवा रही हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत हमारा मतलब लंबा है, आसान है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना हेक्टिक काम है इतना लंबा चैप्टर ख़त्म करना, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ जी कि हम इसको जल्दी जल्दी से वाइंड अप कर लें। थर्ड टाइप है जी अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी, उर्दू में कहें तो जिम्मेदारी के हिसाब से दो ही हो सकते हैं जी, आपका अनलिमिटेड पार्टनर और लिमिटेड यानी गैर महदूद जिम्मेदारी वाला हिस्सेदार और महदूद जिम्मेदारी वाला हिस्सेदार। अब ये हमने बहुत दफ़ा पहले भी डिस्कस कर लिया जी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि महदूद और गैर महदूद जिम्मेदारी में क्या फ़र्क है, बहुत बार मैंने बता दिया, अब फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ जी। ऐसा पार्टनर जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसके कारोबारी एसेट्स बेचने तक महदूद, यानी वो सिर्फ अपने बिजनेस के एसेट बेचेगा, अगर नहीं है पैसे तो कहेगा जी भाड़ में जाए, मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं है या मैं लाइबिलिटीज पे ऑफ ही नहीं कर सकता। ऐसे पार्टनर को आपका लिमिटेड पार्टनर कहते हैं या लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर कहते हैं, ठीक है जी, जिसने सिर्फ बिजनेस में जितना पैसा लगाया है उतना ही नुकसान बर्दाश्त करना है, वो आपका लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर कहलाएगा। अनलिमिटेड पार्टनर का मतलब ये होता है जी ऐसा शख्स जिसकी लाइबिलिटी आपने अनलिमिटेड रखी है और इन केस ऑफ लॉस अगर नुकसान हो जाता है तो उसने वो नुकसान अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज या पर्सनल एसेट्स बेच के भी पूरा करना है। तो उसने सिंपली एक एक लाइन में लिखा हुआ है जी, पार्टनर हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटीज नोन एज लिमिटेड पार्टनर और पार्टनर हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटीज नोन एज अनलिमिटेड पार्टनर। उसके बाद है जी आपकी टाइप्स अकॉर्डिंग टू दी पार्टिसिपेशन, यानी कारोबार में किस तरह से वो शामिल हैं या कितनी वो अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी चार टाइप्स हैं जी। मैंने इनको एक दूसरे के सामने लिखा है 1, 2, 3, 4 करके, 1 और 2 का कंपेरिजन कर लें, 3 और 4 का तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। 1 है जी आपकी एक्टिव पार्टनर और उसके ऑपोजिट है आपकी नॉन एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर ऐसा मेंबर है जी जिसने बिजनेस के मैनेजमेंट और अफेयर्स में कैपिटल लगाने के साथ साथ हिस्सा ले रहा है, यानी वो ये नहीं है कि पैसा लगा के चुप करके बैठ गया, वो उसकी मैनेजमेंट में भी बराबर काम कर रहा है, रोज ऑफिस आता है, काम करता है, शाम को घर चला जाता है। ऐसा मेंबर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस वो आपका एक्टिव पार्टनर, इसको उर्दू में मुस्तैद कहेंगे जी शायद, मुस्तैद हिस्सेदार है यानी जो अपना काम एक्टिवली कर रहा है डेली बेसिस पे। नॉन एक्टिव या गैर मुस्तैद हिस्सेदार या स्लीपिंग पार्टनर। जी जी अजाने हो रही है, इधर भी शुरू होने लगी थी, चले ठीक है थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। जी नॉन एक्टिव या स्लिपिंग पार्टनर हमने कहा है ऐसा पार्टनर होता है जी जो कि बिजनेस में कैपिटल लगा के बस चुप करके जाके सो गया है, यानी उसको स्लिपिंग पार्टनर कहा है इसीलिए जाता है कि जी वो जाके चुप करके बैठ गया है, अब उसने बिजनेस की मैनेजमेंट में कोई भी हिस्सा नहीं लेना। तो उसने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है जी, अ पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर एंड अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एक्टिवली बट ही इज एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। वो कोई बहुत ही कामचोर शख्स, उसने कहा नहीं मेरा काम था पैसा लगाना, मैंने पैसा लगा दिया, अब जितना नफा नुकसान हो मुझे दे दीजिएगा, ना मैंने दफ्तर आना ना मैंने इस पार्टनरशिप में कोई काम करना है, यानी उसने पैसा लगाया चुप करके जाके सो गया है, बैठ गया आराम से घर में, अब प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको बस सिर्फ वो दे दिया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड टाइप है आपकी सीक्रेट पार्टनर, इसको कहते हैं उर्दू में पोशीदा हिस्सेदार। एक होता है पोशीदा, एक होता है नुमाया, मतलब जो नज़र आ रहा है आपने उसको सिर्फ शो पीस के लिए रखा हुआ है, ज़ाहरी हिस्सेदार। अब उसको इंग्लिश में कहा गया फोर्थ वाले को नॉमिनल या क्वाज़ाई पार्टनर, जिसको आपका ज़ाहरी या शो पीस के लिए रखा गया है उसको नॉमिनल कहा जाता है।
डिफरेंस देख लेते हैं आपके सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर में क्या है। सीक्रेट पार्टनर हमेशा याद रखिएगा वो ऐसा शख्स है जिसने कारोबार में पैसा भी लगाया है, वो मैनेजमेंट में हिस्सा भी ले रहा है, लेकिन हमारी जनरल पब्लिक को या अवाम को उस शख्स के बारे में पता नहीं है कि वो इस पार्टनरशिप का मेंबर है या नहीं। यानी उसने कहा जी मेरा नाम सीक्रेट रखा जाए, मुझे लोगों के सामने जाहिर ना किया जाए कि मैं भी आपकी मेंबरशिप, हो सकता है वो कहीं और जॉब करता हो या किसी और पार्टनरशिप का भी मेंबर हो, कोई भी रीज़न हो सकती है उसको अपने आप को सीक्रेट रखने की। यहाँ उसने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ जी अ पर्सन हु हैज़ शेयर्ड कैपिटल इन टू द बिजनेस ऑल्सो टेक पार्ट इन टू द बिजनेस मैनेजमेंट बट पब्लिक डज नॉट नो हिम। ये हो गया आपका सीक्रेट पार्टनर। या पोशीदा का मतलब है जी उसने पैसा भी लगाया हुआ है, कारोबार में काम भी कर रहा है, लेकिन उसको लोग नहीं जानते, वो सीक्रेटली काम कर रहा है। जो फोर्थ टाइप है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ना तो उसने पैसा लगाया है, जो आपका नॉमिनल या जाहिरी जो पार्टनर है उसने ना तो पैसा लगाया है ना ही वो बिजनेस में कोई काम कर रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ उस पार्टनरशिप का या उस बिजनेस का हिस्सा इसलिए बनाया गया है कि लोग उसे जानते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ जी, अगर एक कंपनी है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और हम उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, ये सपोज कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई मूवी है जिस तरह आपकी मूवीज में गेस्ट अपीयरेंसेस आती हैं कि वो बंदा ना तो उस मूवी में पैसा लगाता है ना ही उसने उस पूरी मूवी में कोई काम किया, बस एंड पे आके एक गेस्ट अपीयरेंस दे गया। इसी तरह ये भी आपके बिजनेस में गेस्ट अपीयरेंस का काम करते हैं। यानी अगर आपने किसी सपोज कोई जगह खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक तरफ दो लोगों की एग्जाम्पल दे रही हूँ जी, एक तरफ है जी जिसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का नाम है, जिनको हमारे मुल्क में सो कॉल्ड गलत किस्म के अल्फाज में अब जाना जाता है कि जी ये दो नंबरियां लगाते हैं या जो भी है। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक ऐसी कंपनी है जिसमें नाम है जी आपके मलिक रियाज का, मतलब जो कि बिजनेस टाइकून माना जाता है इन द प्रॉपर्टी इंडस्ट्री। अब आप किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो जिसमें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हैं या वो उसमें जिसमें आपके बहरिया टाउन वाले मलिक रियाज साहब हैं, बताएं मुझे ज़रा। जो मलिक रियाज है उनके पास इन्वेस्ट करेंगे ना? क्यों? रीजन इज कि उनकी रेपुटेशन इन प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट बिजनेस में, वो पाकिस्तान में टाइकून माने जाते हैं, वो या कहा जाता है जी कि ही इज अ प्रोफेशनल उस फील्ड में। अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ना तो मलिक रियाज ने पैसा लगाया होगा ना ही कुछ और किया होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी जी कि अपनी गुडविल की वजह से या आपकी अच्छी रेपुटेशन की वजह से क्या मैं आपका नाम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या अपने पार्टनर्स में लिख सकती हूँ? अगर वो कहते हैं जी, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नॉमिनल या जाहिरी हिस्सेदार होंगे, ना तो उन्होंने कारोबार में पैसा लगाया ना ही वो कोई काम करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक शो पीस के तौर पे हमने पब्लिक को मतलब दिखाने के लिए रखा हुआ है जी कि हमारे यहाँ इस रिप्यूट का बंदा भी है। तो ये जो इस तरह के पार्टनर्स होते हैं, इस तरह के पार्टनर्स को आपका नॉमिनल या क्वाज़ाई, ये वर्ड जो लिखा हुआ है ना क्वासी नहीं पढ़ना, इसको क्वाज़ाई कहते हैं, ये आपका क्वाज़ाई पार्टनर या जाहिरी हिस्सेदार होता है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला? उर्दू वालों के लिए बहुत आसान है जी, एक ऐसा है जिसने पैसा भी लगाया सब कुछ किया लेकिन लोग नहीं जानते, तो वो आपका पोशीदा हिस्सेदार। दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट, उसने कारोबार में बेचारे ने पैसा भी नहीं लगाया ना ही उसने कोई मैनेजमेंट में हिस्सा लिया, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ लोग उसकी अच्छी रेपुटेशन या अच्छी साख की वजह से जान रहे। लास्ट आपकी है जी अदर टाइप्स, कि वो और कौन कौन सी हो सकती हैं जी। तो अदर टाइप्स में आपकी छः हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। न्यू पार्टनर कहता है जी, न्यू पार्टनर या नया हिस्सेदार से मुराद ऐसा शख्स है जो कि आपकी पार्टनरशिप में अभी न्यूली एंटर हुआ है। ये इतनी बच्चों वाली डेफिनेशन है ना, ये जो अदर्स वाले पार्टनर्स में, मेरा दिल कर रहा था बुक वाला मेरे सामने और मैं उसको दो जूते लगाऊं। न्यू पार्टनर से मुराद ऐसा शख्स जो आपकी पार्टनरशिप में या आपकी शराकतदारी में नया नया शामिल हुआ हो, यानी न्यूली एडमिटेड इन द फर्म। दूसरा है जी पार्टनर इन प्रॉफिट या नफे में हिस्सेदार, या नफे में हिस्सेदार शख्स ऐसा पार्टनर होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ, जिस तरह हमने माइनर पार्टनर का कहा है जी कि ही इज द पार्टनर इन प्रॉफिट, वो सिर्फ और सिर्फ नफे या फायदे में हिस्सेदार होगा, उसको नुकसान ये का बर्डन बियर नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह उसने एक टाइप ही दे दिया, उसने कहा जी द पर्सन हु शेयर्स ओनली प्रॉफिट इज नोन एज पार्टनर इन प्रॉफिट। उसके बाद है जी सैलरीड पार्टनर, ऐसा पार्टनर
जिसने सैलरी ली हो या जो सैलरी लेता हो आपकी फर्म से, यानी वो मैनेजमेंट में पार्ट ले रहा है और साथ कह रहा है जी मुझे सैलरी भी चाहिए, तो ऐसा शख्स या ऐसा पार्टनर जो सैलरी ले रहा हो उसको आपका सैलरीड पार्टनर कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है जी रिटायर्ड पार्टनर, ऐसा शख्स जिसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका, मतलब उसने अपनी लाइफ टाइम पूरी कर ली है, एट द एज ऑफ रिटायरमेंट पहुंच चुका हुआ है। पाकिस्तान में आपकी एज ऑफ रिटायरमेंट इज कंसिडर्ड 65 ईयर्स, लेकिन हो सकता है आपने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म की रिटायरमेंट डेट कुछ और लिखी होगी जी 60 साल का हो, जब वो शख्स हो जाएगा या पार्टनर हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप को ख़त्म कर देगा। तो उसने कहा जी अ पर्सन हु हैज लेफ्ट द फर्म फॉर अ सर्टेन रीजन और सर्टेन इवेंट, तो उसको आपका रिटायर्ड हो, यानी उसने किसी इवेंट की वजह से या खास मौके पे आके आपकी पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ दिया है, तो वो आपका रिटायर्ड शख्स कहलाएगा। फिफ्थ वन है जी इंसॉल्वेंट पार्टनर, ने कहा जी ऐसा पार्टनर या ऐसा हिस्सेदार हु इज अनएबल टू पे हिज डेट्स और लाइबिलिटीज, वो आपका रिटायर्ड सॉरी रिटायर्ड कह रही इंसॉल्वेंट पार्टनर कह रहा था। और डिजीज्ड पार्टनर, अल्लाह खैर करे जी ऐसा शख्स हुज लाइफ हैज एक्सपायर्ड, यानी जिसकी जिंदगी गुजर गई है यानी वो फौत हो चुका हुआ है, उसको आपका डिजीज्ड पार्टनर या एक्सपायर्ड पार्टनर कहा जाता है। ठीक है जी, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, कल हम इसकी ड्यूटीज़ राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ पढ़ लेंगे जी आपके पार्टनर्स के। आज अगर मैंने ज़्यादा पढ़ाया तो वो बहुत फिर लेंथी हो जाएगा जी। आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मिस। बाकी के स्टूडेंट्स? यस।